गाजीपुर से अमित उपाध्याय पत्रकार की रिपोर्ट लक्ष्य के सापेक्ष कार्य पूर्ण न होने पर डीएम ने मांगा स्पष्टीकरण। गाजीपुर जिलाधिकारी ने एमपी सिंह की अध्यक्षता में ग्राम पंचायतों में सामुदायिक शौचालय और पंचायत भवन निर्माण के संबंध में जनपद के समस्त खंड विकास अधिकारी सहायक खंड विकास अधिकारी संघ समीक्षा बैठक विकास भवन सभागार में संपन्न हुई। बैठक में जिलाधिकारी ने पिछले बैठक के सापेक्ष दिए गए निर्देश के क्रम में निर्धारित निर्माण कार्य पूर्ण न होने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए खंड विकास अधिकारी सदर एवं खंड विकास अधिकारी मनिहारी सह खंड विकास अधिकारी मनिहारी को छोड़कर समस्त खंड विकास अधिकारी एवं समस्त सहायक खंड विकास अधिकारी को प्रतिकूल प्रविष्टि एवं कारण बताओ नोटिस जारी करने का निर्देश दिया। बैठक में खंड विकास अधिकारी पम देवकली और सहायक खंड विकास अधिकारी पम देवकली के द्वारा पूर्ण कार्य न कराए जाने तथा जिलाधिकारी को भ्रम में रखकर गलत सूचना देने पर एफआईआर दर्ज कराने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने सामुदायिक शौचालय और पंचायत भवन निर्माण कार्य में तेजी लाते हुए 3 दिनों में मानक के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण सामग्री का प्रयोग करते हुए लक्ष्य पूरा करने का निर्देश दिया। तत्पश्चात जिलाधिकारी ने मिशन कायाकल्प मुख्यमंत्री आवास योजना प्रधानमंत्री आवास योजना 2021-22 की समीक्षा की। समीक्षा के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना में खंड विकास अधिकारी कासिमाबाद को लक्ष्य के सापेक्ष कार्य पूर्ण न होने पर स्पष्टीकरण मांगा। जिलाधिकारी ने मिशन कायाकल्प के तहत सभी कार्य बिंदुओं से विद्यालयों को संतृप्त किए जाने का निर्देश दिया। इसमें किसी भी स्तर पर कोई शिथिलता नहीं होनी चाहिए। उन्होंने निर्देश दिया कि संचालित कायाकल्प योजना में अन्य शेष सभी कार्यों को अनिवार्य रूप से पूर्ण कराना सुनिश्चित करे। इसमें किसी भी स्तर पर कोताही व शिथिलता क्षम्य नहीं होगी। जिलाधिकारी ने कायाकल्प के तहत स्कूलों में टाइल्स रैंप निर्माण इंटरलॉकिंग विद्युतीकरण आदि कार्यों को कराए जाने पर बल दिया। जिन जिन विकास खंडों में बालक बालिका अब दिव्यांग शौचालय का निर्माण कार्य अभी अधूरे हैं उन ग्राम पंचायतों में एक साथ मजदूर लगाकर कार्यों में तेजी लाने का निर्देश दिए। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी श्री प्रकाश गुप्ता पीवी बाल गोविंद डीडीओ श्री भूषण कुमार जिला पंचायत राज अधिकारी समस्त खंड विकास अधिकारी एवं कर्मचारी गण उपस्थित थे। कोई कंटेंट